अब हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुरुल, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे ना, तो बतौर हाकिम मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना ही मैं तुमसे डरा, तो चलो आज इस काम को खत्म करें। आज फैसला होकर रहेगा। बस करो, खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पर एतमाद करें, मेरी आवाम की भूख मिटे और तिजारत आसान हो जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमने कहा था कि खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी, लेकिन अब हम सुलह चाहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो तुम मेरे भाई दोनदार से सुलह कर लो, तब तक मैं कोनिया से होकर आता हूँ। वापस आकर इस मुआहदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गोपोलोस, तुम एक इज्जतमंद आदमी हो, तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहां तक अर्तुरुल साहब की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सारी दुनिया जानती है उनकी बहादुरी बहुत अच्छे से। खाना खिलाता है भूखों को, पहनने को लिबास देता है, कर्जदार का कर्ज अदा करता है, मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम, वो कोई फर्क नहीं करता। अर्तुरुल गाजी और उसकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद जबकि दुश्मनी नुकसानदेह। हाकिम की हिफाजत करो, हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी अपनी जान पर भी खेलकर हाकिम को बचाओ। सिपाहियों, जंग की तैयारी करो, हाकिम को कुछ ना होने पाए। भाइयों, उस्मान, तुमने क्या किया? उस्मान, यानिस ने पेशकश कबूल कर ली है, बलगाय को ललचा कर लाएंगे। आखिरकार वक्त आ गया है कि वो अपने किए की कीमत चुकाएगा। आपका इरादा क्या है? क्या आप बलगाय को लेंगे? नहीं, जान लूंगा मैं उसकी। जुल्म का अंजाम क्या होता है, ये इस बार हम उसे जरूर दिखाएंगे। बलगाय और उसके साथ ही देखेंगे कि तुर्क अगर खड़े हो जाए तो क्या कर सकते हैं। जो हमारी शाख काटने की कोशिश करेगा, हम उसको जड़ से ही उखाड़ कर रख देंगे। माशाल्लाह मेरे शेरो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईमान का जज्बा लिए अल्लाह की राह में लड़ने वालों, मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, हम काई के लोग हैं। हमारा मकसद, हमारी मुराद रज़ाए इलाही है। हम यहां इन सरजमीनों में अल्लाह का नाम और उसका दीन हक चप्पे चप्पे तक पहुंचाने आए हैं, जो जालिमों से हमारी हिफाजत करता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया, उसे अल्लाह के लिए हम्दो सना। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमने काफिरों के खिलाफ जंग में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, बहुत सी मुश्किल रुकावटों से गुजरते गए। हमने एक साथ मिलकर बहुत कुछ सहा है। जब तक हम सीना बसीना मुत्तहिद हैं, हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे ही मजबूत इरादे रखेंगे तो कई फतुहात का रास्ता हमवार करते चले जाएंगे। आमीन। मेरे साथियों, कुछ दोस्त आज हमारे साथ नहीं है, वो अल्लाह की खातिर लड़ते हुए उसकी राह में शहीद हो गए। हक ताला से मेरी दुआ है कि उनकी शहादत की रोशनी से
उम्मते मुहम्मदी को अंधेरों से निकाल दे या रब। आमीन। इन सरजमीनों में जो शहदा दफन है वो उनके लिए मशले राह बन जाएं जिनके दिल जिहाद की आग में जल रहे हैं। आमीन। मेरा रब हमें ताकत नसीब फरमाए। आमीन। या अल्लाह हमें आदिल बना। आमीन। हमें लोगों के लिए रहम दिल बना। आमीन। अल्लाह हमें इतना ताकतवर बना कि कुफार की सरजमीनों पर जो हम निजाम लाए हैं वही अल्लाह का निजाम हम पूरी दुनिया पर राज करें। आमीन। मेरे बहादुर सिपाहियों, आज से हम रुकने वाले नहीं। दिलों में ईमान की ताकत लिए हम आसमान को अपना खैमा और सूरज को अपना परचम समझते हैं। हमारी तलवारों की आवाजें नीगिया से लेकर पोर्सिया तक सुनी जाएंगे। हमारे घोड़ों के दौड़ने की आवाजें कुस्तुनतुनिया पर भयानक ख्वाब की तरह उतरेंगी, क्योंकि अल्लाह का दीन और हमारी रिवायत अबद मुद्दत तक है। हमारा पैगाम इस पूरे जहान के लिए हमेशा हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी होगा। अल्लाहु अकबर। चलते रहो, एक जगह मत रुको भाइयों, शाबाश, दाएं बाएं हरकत करते रहो। तीर अंदाजो। सरदारों, दोनदार साहब के हक में 5 और उस्मान साहब के हक में 4 लोग। चूंकि 2 लोगों की राय बाकी रह गई है, अब गोंदू साहब और साउची साहब का मुंतखब होना मुमकिन नहीं है।
और अब मैं बगैर किसी शक के उस्मान साहब के हक में हूं। तो अब सूरत हाल वाजे है, जो भी उस्मान साहब के हक में राय देना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे। अब मुझे कबूल है। मुबारक हो। कहां जा रहे हैं आप चचा? जल्दी किस बात की है? क्या आपका कोई ऐसा फर्ज है जिसको आप छोड़ सकते हो? क्या मतलब, कैसा फर्ज? जिस पर दो बार हमला हुआ, पहली दफा काफिरों से उसकी हिफाजत नहीं कर सके और दूसरी दफा उसे छोड़कर भाग आए। कैसे किया ये जरा सोचिए। उस सौत की सारी जिम्मेदारियां तो आप पर थी। हाँ, मेरे पास थी, अब नहीं होंगी। आपको इस ओहदे से हटाया जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहता हूं। इजाजत है, आप जा सकते हैं। जहां तक रही आपकी बात, बतौर सिपहसालार जब कलूजा हिसार फतह हुआ और सौत को जलने से बचाया जा रहा था, उस वक्त कहां थे? बताइए, कहां थे आप भाईजान? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम किया है। इसलिए इस फर्ज से आपको हटाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूं उस्मान साहब। इजाजत है, आप जा सकते हैं सौजी साहब। सरदार उस्मान, अब से
काय कबीले के नए सरदार उस्मान साहब हैं। वंशी साहब, ना दौलत और ना गुर्बत, असली चीज इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद रियासत है और रियासत के लिए रियासत मुबारक हो। ये दरवाजा रियासत का दरवाजा है, तुम इसे हाथों से नहीं खोल सकते, तुम अपनी अकल से इसे नहीं तोड़ सकते, इसके लिए हिम्मत और मजबूत दिल की जरूरत है। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, ये दुनिया हमेशा इसकी गवाही दे। और सुन ले, जिस तलवार से आप अपलैस हैं वो आपकी नहीं है, जिस घोड़े पर आप सवार हैं वो आपका नहीं है, जिस ओहदे पर आप बैठे हैं वो आपका नहीं है, वक्त आपका नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है, रास्ता जिस पर आप चलते हैं और जो ख्वाब आप देखते हैं वो आपके नहीं है, वो कौम के हैं। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, दुनिया इसकी गवाही दे। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, हमारे सरदार उस्मान साहब। उस्मान साहब, ये सरदारी उस खान की रिवायत है, ये आलप अरसलान की रूह है, किले चरसलान का ईमान है, सुलेमान शाह का खून, अर्तुरुल गाजी की अमानत है। आपको सरदारी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बंसी साहब, बहुत शुक्रिया। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले, अल्लाह के नाम से शुरुआत है। आज अमानत सुपुर्द हो चुकी और तलवार सजा ली गई, आज
मुत्तहिद होने का, ताकतवर बनने का और रियासत बनाने का वक्त है। अब से जिहाद की आग भड़केगी और जंग के मैदान सजाए जाएंगे। अब से नई फतूहात, नई जीत के साथ भाइयों का झंडा आगे से आगे ले जाया जाएगा इंशाल्लाह। अदल करोगे तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मेहनत करोगे उसका सिला मिलेगा, सब्र करोगे तो उससे निजात हासिल होगी। मेरे गाजियों, मेरे आहियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक होकर अपनी रियासत कायम करेंगे, अपनी नस्लों को जिहाद, ईमान से मोहब्बत, इंसाफ का जुनून और नज्मो जब्त की अमानत मुंतकिल करेंगे, ताकि हमारा झंडा, हमारा नाम और हमारा मकसद दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और दुनिया में जहां भी कोई मजलूम है उनके लिए एक नई उम्मीद की राहें रोशन हो जाए। हसद से नहीं, शुक्रगुजारी से काम लेना है, कहली नहीं मेहनत करनी है, बदइखलाकी को इखलाक से बदलना है और मुनाफिकत को ईमानदारी से बदलना है। हक बात कहने वाले मुनसिफों को, आजादी की आग रखने वाले सिपाहियों को और बाजारों में काम करने वाले मेहनती हर एक को साथ लेकर चलना होगा। बहुत सी किताबें लिखनी होंगी, बहुत से नजरियात बनाने होंगे, बहुत से उलमा परवान चढ़ाने होंगे। हमें अजीम होना होगा, बहुत अजीम, बहुत अजीम मदारिस तामीर करेंगे और अजमत से जीना होगा। तारीख उन्हीं पर लिखी जाती है जो दास्तान रकम करते हैं, और वो तुम ही लोग हो। कोई शक नहीं इसमें कि ये रास्ता हक का रास्ता है। सुल्तान हमारे लिए रास्ता बनाते रहे, हम उसमें चलते रहेंगे, और जब तक हमारी सांसें रुकती नहीं और ये दुनिया जब तक बाकी है, भाई भी रुकने वाले नहीं है। इस्लाम मजहब है इंसाफ का और हम भी इसे पूरे दिल से पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे। जहां पर भी जुल्म और नाइंसाफी होगी तो वहां उस सूरत इंसाफ की तलवार बुलंद की जाएगी और अब हमारा अगला हदफ है सबसे पहले बुरसा और फिर दूसरी तरफ इज़निक, यानी शहर हमारा दारुल हुकूमत होगा और अब से ये शहर हमारी होने वाली फतूहात का मरकज होगा। मेरे सरदारान और मेरे भाइयों, हमारी ताकत मुकद्दस फरीजे से आती है, अलबत्ता
असल ताकत कुछ और भी है, जो कि किसी मर्द से कम नहीं। काइयों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली ख्वातीन है जो हमारे साथ होती है। ये सिपाहियों की वजह से है। लोहे की तरह मजबूत दिल रखने वाले दिलेर जंगजुओं की वजह से है। और हमारे साथ अपना परचम लहराने वाले हमारे सरदारों की वजह से है। जब तक तुर्क शाना बशाना खड़े हुए हैं, कभी कोई नहीं रोक सकता हमें। जब तक आसमान नीचे नहीं गिरता और जब तक ये जमीन फट नहीं जाती, आपकी रियासत और रिवायात को कोई नहीं तोड़ सकता। कभी और इसलिए अपनी रिवायात इस पूरी दुनिया तक फैलाने से पहले हमारे लिए जीना हराम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, Allah'ın Osman'a verdiği devlet
sayesinde dünya mamur olacak. Samaç gel mere huzur. Çalo. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?